इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। मॉलिक्यूलैरिटी, देखो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब ये होता है कि कितने स्पेसीज या कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या इसमें प्रोडक्ट भी ऐड होगा या सिर्फ रिएक्टेंट ही ऐड होगा? ध्यान से सोच के बताओ। मैंने बोला रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, सोचो और बताओ। दीपिका उत्कर्ष, तुम लोग भी सोच सकते हो, बताओ। दीपिका, रिएक्टेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिएक्टेंट ही होगा ना भाई, रिएक्टेंट ही तो रिएक्ट करेगा ना। रिएक्टेंट के पार्टिकल ही तो आपस में कोलाइड करेंगे, तब तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, है ना। रिएक्टेंट के ही पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे ना, जब इनके बीच में कोलिजन होगा तभी तो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट। तो इसमें जो कोलिजन होगा रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? वो एटम्स हो सकते हैं, बताओ। वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है वो? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या वो आयन्स हो सकते हैं, बताओ दीपिका? हो सकते हैं, बोलो बोलो। वो आयन्स हो सकते हैं, ठीक है, यस सर, हो सकते हैं। हाँ, ये सारे जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे दो तीन वर्ड आएगा, पहले आएगा एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एनसीईआरटी में भी ये वर्ड यूज है, यूज किया गया, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन यानी कि सिंपल केमिकल रिएक्शन। कैसा? बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, ठीक है। जैसे कि तुम उतने दिन से क्या पढ़ रही थी, ए से क्या बन रहा थी, सिंपल, इसको बोलेंगे एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, यानी सिंपल है, एक स्टेप में, एक ए के साथ हो सकता है ए का ही कोई पार्टिकल रिएक्ट कर जाए, जब देखो वो दो ए है तो ए एक के पार्टिकल रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये है, अब इसमें क्या होता है? कोलिजन होता है। इसमें क्या होता है? कोलिजन होता है, किसका? चाहे एटम्स का हो, मॉलिक्यूल्स का हो, आयन्स का हो, ठीक है। ये कोलिजन कैसा होता है? साइमल्टेनियसली। कैसा होता है? साइमल्टेनियसली, इसका मतलब सब एक साथ। एक बात मुझे बताओ, साइमल्टेनियसली जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो एक साथ टकराने का प्रोबेबिलिटी कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, कौन बोला? स्मृति बोली है ना। स्मृति बताओ कैसे? जब ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा वो होगा ना, कोलाइड होगा। इसको कुछ ऐसे समझ लो कि तुम दो तीन दोस्त हो, ठीक है। तुम दो तीन दोस्त सोचे हो कि स्कूल, दो तीन दोस्त नहीं, पहले एक ही दोस्त पकड़ लो, पहले हम अकेला, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो टाइमिंग है कुछ, ठीक है, इतने बजे से इतने बजे तक पहुंचना। स्कूल में टाइम होता है ना कि भाई 7 बजे से लेकर 6:30 बजे तक पहुंच जाओ, ऐसा होता है ना, रेंज होता है ना कि 6:30 से 7:30 बजे के बीच में पहुंचना, बोलो बताओ। यस सर, ठीक है। तो अकेला हम है तो हम पहुंच गए टाइम पे, जो भी टाइम था अपना पहुंच गए, मान लेते हैं 6:35 पे पहुंच गए। अब हम दो दोस्त हैं, कितने दोस्त? दो दोस्त। हमने डिसाइड किया कि हम दोनों को कितने बजे पहुंचना, 6:35 में, या फिर कोई भी टाइम, 6:35 नहीं फिक्स किया, कोई भी टाइम। तो हम दोनों का साथ पहुंचने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हम अपने घर से निकलेंगे, वो अपने घर से निकलेगा, हो सकता है उसको ट्रैफिक मिले या नहीं मिले, हमको मिल जाए, तो हम दोनों के पहुंचने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया कि नहीं? एक साथ एक टाइम पे, कि वो भी एंट्री मार रहे, हम भी एंट्री मार रहे, कम हुआ या नहीं हुआ, बताओ? हाँ, हुआ। अब एक और पकड़ लो दोस्त, तीन दोस्त, अब और कम हो गया। मान लो कि हम दोनों तो टाइम भी पहुंच गए, लेट हो गया, तो और कम हो गया कि नहीं प्रोबेबिलिटी?
ये अपना ट्रैफिक जाम, ये अपना ट्रैफिक जाम, ये अपना ट्रैफिक जाम, हो सकता है इसका स्कूटर का तेल खत्म हो जाए, ये रिक्शा से आ रहा हो, ये पैदल आ रहा हो, प्रोबेबिलिटी देख रहा हो ना सबका एक ही साथ, यानी एक ही टाइम पर सब एंट्री मारेगा, इसका प्रोबेबिलिटी तो और कम हो गया ना, और बढ़ा दो और कम हो जाएगा, देख रही हो कि नहीं देख रही हो, यानी हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस बढ़ेंगे तो उनके साथ में आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, क्या होगा, कम होगा, होगा या नहीं होगा बताओ, समझ में आया होगा या नहीं होगा, बस मुझे इतना बता के क्लियर करो, होगा ना कम होगा ना। तो हम सबसे पहले पहले मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में लिखेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी है क्या, ठीक है, क्या होता है, काफी अच्छा चीज है, लिख लो, इसलिए लिखेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, और वो रिएक्टिंग स्पेसीज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना, एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं, ठीक है, सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कैसा, इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसमें लगा दो ब्रैकेट के बाद, the number of reacting species participating kya hoga, elementary chemical reaction, got it, होगा या नहीं होगा, इसके साथ एक कंडीशन क्या लगा है कि सारे पार्टिकल का कोलिजन एक टाइम होना चाहिए, सारे पार्टिकल का कोलिजन कैसा होना चाहिए, एक साथ, समझ में आया, तो वो भी कंडीशन लिखो, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, स्मृति कुछ समझ में आ रहा है, काम के बाद कुछ लिखा है आपने, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है, क्या समझ में आया, हाँ सर आ रहा है, आवाज नहीं जा रही, तुम्हारा आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर, तुम्हारा आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अच्छा तुम्हारे गांव में किसी का शादी है क्या, बताओ स्मृति, शादी का तो टाइम नहीं चल रहा था सर, आप भूखे हुए हो एकदम सचू, ऐसे वाले हो, ऐसे वाले क्या, हां कल मेरा वीडियो फंस रहा है क्या, डिप्सिका नहीं नहीं क्लियर है, क्लियर है ना, स्मृति अभी ठीक है ना, हाँ तुम्हें किसी का शादी है क्या, नहीं किसी का शादी नहीं है, ओके क्या, तो वो पांच साल बाद अपने गांव गई है, शादी में ही जाना जरूरी है, वो मेहंदी देख के लगा कि शादी वाली होगी, चलो हटा दे इसको, अच्छा उसको ऐसे पांच साल बाद मेहंदी लगा, क्या बोल रही हो, पता नहीं सुन, गाना गा रही है, पांच साल बाद रो रो कर गाना गा रही है, पांच साल बाद गाँव गई है, अच्छा ये पांच साल बाद गाँव गई, कोई बात, पता चला पांच साल बाद तुम काम गई हो, चलो अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी तुम कैसे निकालोगी, अगर हम बोल रहे हैं ए से बना बी, क्या बना, ए से बना बी, ठीक है, तो ये बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल है, जैसे कितने पार्टिकल, कितने हैं, एक है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो यही क्या हो रहा है, हो सकता है टूट रहा होगा और बन रहा होगा, हो सकता है ना, तो
तो ये क्या हो रहा है, ये टूट रहा है और ये बन रहा है। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन का हम तुमसे मॉलिक्यूलैरिटी पूछे तुमसे, तो तुम क्या बोलोगे इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा? वन। और जो वन होता है उसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। तो क्यों नाम पे यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन देख ले, क्या कहती हो? देख ले। यस सर। यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। वैसे तुम तो आज क्लास नहीं आने वाली थी, फिर जब इसको हीट करोगे तो ये क्या देगा? सोच के देखो, ये देगा H4O2, 2H2 लिखते हैं इसको। और देगा साथ में N2। अब तुम मुझे ये बताओ दीपशिखा, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ ये कैसा रिएक्शन है, तो तुम बोलोगे सर ये एक ही है। कितने हैं? एक ही है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दैट मींस कि ये यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इजी है, ये मॉलिक्यूलैरिटी बहुत इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं अभी बताऊंगा, तो ये समझ में आया। अब हम बोलेंगे अगर दो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि अगर हम ले लें 2HI, ठीक है, और फिर इसको हम बना दें H2+I2 हीट करके, है ना, H2+I2। तो अब दीपशिखा तुम बताओ कि इसका क्या सीन बन रहा है, ये कौन सा है? ये भी यूनी ही है। ये क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। ये क्या है? ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर। हम इसमें देखो मॉलिक्यूलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी थियोरेटिकल है और इसको हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, तुम कैलकुलेट नहीं कर सकती थी, याद है कि नहीं? बताओ। लेकिन क्योंकि ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसको तुम बैलेंस करोगी और कैलकुलेट करोगी कि कैसा रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर है या बायमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ट्राई मॉलिक्यूलर भी होता है। मैंने क्या बोला? ट्राई मॉलिक्यूलर भी होता है, बट ट्राई तक ही होता है। कितना तक होता? ट्राई तक। अगर तीन हो जाए तो क्या लिखोगी? ट्राई मॉलिक्यूलर। क्या हो जाएंगे? ट्राई मॉलिक्यूलर। तुम बोलोगे कि फोर मॉलिक्यूल वाले क्यों नहीं होते, पांच मॉलिक्यूल? अब ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलैरिटी का मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था, कि दे मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, बताओ? लिखवाया था। और हम ये भी जानते हैं अगर पार्टिकल्स हम बढ़ाते गए तो उनके पास में टकराने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कम होता जाएगा। होगा या नहीं होगा? हाँ तो होगा। तो आप बताओ कि फोर मॉलिक्यूलैरिटी वाला होगा, उसका फोर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी रीजन मैंने बता दिया, मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली कोलाइड ही नहीं करेंगे, चांसेस उसका बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम। मैंने बताया ना अभी, किसी भी स्कूल में 50 बच्चे हैं, क्या 50 बच्चे एक साथ एक टाइम पर पहुंच जाते हैं स्कूल? नहीं, उनका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कोई कभी आता है, कोई कभी आता है। समझ रहे हो कि नहीं आप? समझ गई, समझ सकते। अगर एक साथ पहुंच जाएंगे तो एक साथ छुट्टी होगा, एक साथ भीड़, एक साथ जाएगा, एक साथ आएगा, समझ रहे? तो मैक्सिमम कितना तुम देखोगे मॉलिक्यूलैरिटी? 1, 2, 3 बस। कितना? 1, 2, 3। समझ में आया? तो मैं इधर लिखना चाहूंगा कि मॉलिक्यूलैरिटी कितना तक होता है? 3 तक। 3 तक। 1, 2,
बस क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकता है? नहीं, जीरो होगा इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं चल रहा, कुछ आई नहीं, ठीक है, यानी ये जीरो नहीं हो सकता। क्या मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव हो सकता है? तुम बोलोगे नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कोई हम कैसे बोलेंगे कि माइनस वन मॉलिक्यूल लिए, कभी ऐसा सुनी हो? नहीं, ठीक है। क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो सकता है? तो नहीं, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, ओके। क्योंकि तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि आज मैंने 0.3 मॉलिक्यूल्स लिए, इधर 0.2 मॉलिक्यूल, ये क्या होता? मॉलिक्यूल एक ही होगा, है ना, मॉलिक्यूल तो एक ही होगा, दो होगा, तीन होगा, ठीक है। तो ये लिख लो, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। समझ में आया बच्चे का? कुछ चक्का तुमको बताओ? Yes, कुछ आया? हाँ सर, समझ आ गया। क्यों ना हम तुमको एक सवाल दे, तुमको बताना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलरिटी। हटा दे जल्दी से, बताओ। मैं हटा दूं सर? बताओ दर्शिका, क्या कह रही हो तुम? सर ट्राई मॉलिक्यूलर का भी एक एग्जांपल लिखवा दो। वो भी लिखवा रहे हैं, अभी सब लिखवाएंगे तो उसी में पता चल जाएगा। अभी लिखवा रहे हैं और हमको वही सवाल याद था, इसीलिए हम इसमें लिखवाए रहे हैं। यहाँ लिखवा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, कोई गाना गा रहा है ना बच्चे? सबसे गाना ही गा रही है, बता दीजिए। गाना वाना गा रही है, मस्त ना? Yes, कोई नहीं स्मृति, तुम गाना गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज तो आएगी, तुम मैसेज कर दो मुझे जल्दी से, इतना जो दिमाग लगा रही हो, हाथ पांव चला दो। हटा दे जब से कहा, क्या मैं इसे हटा दूं? आज तुम फिर से हटा दो, हटा दो। अरे सर मैं बोल रही हूँ, हटा दीजिए सर। कितना बार हटाए, फिर से लिख के फिर से हटा दे क्या? हाँ फिर पूछती क्यों रहे हो? ये भी बात सही, बात तो ये भी सही है ना। चलो अब तुमको बताना होगा इसका मॉलिक्यूलरिटी, क्या बताना होगा? ये देगा कितना देगा, दो दो चार, सवाल लिख रही हो क्या तुम? Yes, sir. क्या तुम सवाल लिख ली? नहीं सर, मैं लिख रही हूँ। एरो यहां मारे हैं, प्रोडक्ट यहां लिख रहे हैं, ठीक है। KCL तो कुछ नहीं लिखते हैं, तो KCL है वो, KCLO, KCLO A नहीं है। स्मृति क्या तुम सवाल लिख रही हो? स्मृति सर, हां सर, क्या तुमने सवाल लिखा? Yes, sir. लिखो सवाल, लिखो फिर। मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम एकदम मस्त क्रिस्टल। कभी कभी गाना सुनाती, कभी कभी क्रिस्टल क्लियर। ये गलत है ना, हम लोगों को तो गाना सुनना ही नहीं है, हमें तो जवाब चाहिए। वी डोंट बिलीव इन सॉन्ग्स, राइट दीपिका? नहीं सर ऐसा नहीं है। देखो आप ये गेम चली गई, पहले गाने सुनते हैं फिर काम करते हो गए सर। आज सर गाना सुनाएंगे सर कह रहे हैं। मैं रेडी हूँ सर सुनने के लिए। तो सुन लो ना।
सुना दो फिर वही कौन गाना गाएगा, कौन गाना सुनाएगा। जल्दी से बताओ और मुझे फ्री कर दो, है ना? थोड़ा ज्यादा नहीं हो जैसे बता दो। सबसे पहले दीपशिखा नहीं स्मृति बताएगी, उत्कर्ष है क्या क्लास में और इज ही स्लीपिंग? पता नहीं उत्कर्ष, एम आई ऑडिबल टू यू? है तू सो रहा है सर। हेलो सर हटा दो, क्या हटा दे स्मृति? ये सवाल हटा दे, मुझे इसका मालिक क्लैरिटी बताओ जल्दी से, सारे बच्चे एक साथ देखो, 5 मिनट है हमारे पास, जल्दी बताओ मालिक क्लैरिटी। और एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।